हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगी। अब्दुल्ला बिन उबई ने बहावा दी और चंद सहाबा भी इसमें इस्तेमाल हो गए। तो मदीने में अंधेरी रात छा गई। एक महीना गुजर गया। अच्छा, हजरत आयशा को पता ही कोई नहीं कि मेरे बारे में ये सजा बन गई है। हाँ, वो कहने लगी, मैं महसूस कर रही थी कि अल्लाह के नबी का रवैया बदला बदला है और रवैया बड़ा सर्द हो गया है। अब मुझे समझ में ना आते कि ये रवैया क्यों सर्द हो गया है। और उधर बाहर आग लगी हुई थी। तो यानी कि मैंने आखिर दिल बर्दाश्त तक होगा यार, उस वाला मैं अपने बाप के घर जाना चाहता हूँ, आप चली जाओ। क्या मुझे और सदमा हुआ कि पहले जब मैं कहती मैं जाना चाहती तो मुझे कहता नहीं ना जाओ ना जाओ। अब की दफा मैंने कहा मैंने जाना था, नहीं जाओ चली जाओ, तो मुझे और जख्म लगा। पर मुझे समझ में फिर भी नहीं आया। यार रात को मैं निकली बाहर जरूरत के लिए, तो मेरे साथ उनने निस्ता भी थी। निस्ता एक बड़े सहाबी हैं। तो उनका जो पाँव अटका चादर में, उनका साये का निस्ता, निस्ता का सत्या नाश हो। हजरत आयशा का नहीं, मैंने कहा इसको बुरा कह रही हो, तो बदर के शरीफ सहाबी है, बदरी सहाबी है, तुम उसको बुरा कह रही हो। तो कहने में तुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता किस बात का। तो तेरे बारे में ये इल्जाम लग चुका है और उसमें पेश पेश है मिस्ता भी। तीन आदमी सहाबा में भी फंस गए थे, एक हसान बिन साबित, एक हमना बिन तजाश और एक मिस्ता बिन असाद वगैरह बला। बाकी सब मुनाफिकीन के हवाले। और ऐसा फरमाती है कि मुझे तो पेशाब भूल गया और आंसुओं की झड़ियां लग गई। मैं वापस आई तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। तो मुझे ख्याल आया कि चलो मेरा अल्लाह मेरे नबी को ख्वाब दिखा देगा या जिब्रील के जरिए से इत्तला कर देगा कि नहीं ये खबर गलत है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बारे में इतना बड़ा काम होगा। पता, मैं अपने घर में लेटी हुई थी बेकरार, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। इतने में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और कहा कि आयशा, मैं तेरे लिए इस्तगफार कर दूंगा अगर कोई ऐसा काम हुआ हो। इतना बड़ा उसूल निकलता है यहाँ से, अल्लाह अकबर। किस हद तक अपने घर वालों से दरगुजर की जा सकती है, देख रहे हो, किस हद तक अपने घर वालों से दरगुजर की जा सकती है। आपने ये नहीं कहा चलो ठीक है तलाक दे दो, कत्ल कर दो उसको, लोग क्या करते हैं कत्ल कर देते हैं। आयशा, अगर कोई ऐसा मसला है तो मैं तेरे लिए इससे रुफार कर देता हूँ, माफी हो जाएगी। ऐसा फरमाती मेरे आंखों खुश्क हो गए, मैं उससे बैठ गई। मैंने अपने बाप से कहा जवाब दो। मेरे बाप कांप रहा था, बेटी मैं क्या जवाब दूं। तो कहने लगी अच्छा, सच कहूं तो मानोगे नहीं, झूठ कहूं तो अपने आप को दागदार कैसे करूं। मैं वही कहती हूं जो यूसुफ के बाप ने कहा था। कहने लगी सदमे की वजह से मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम ही भूल गया। तो मैं वही कहूंगी जो यूसुफ के बाप ने कहा था, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, मेरा गम मेरा दुखड़ा मेरे अल्लाह के सामने है, मैं तुम सबको कुछ नहीं कहती। ये बोल जबान से निकले थे कि हुजूर से वही आ गए। अबू बकर सिद्दीक का रंग फक, उम्मे रोमान का रंग फक, तो पता नहीं अब ये वही क्या आ रही है। क्योंकि एक महीने में ऐसी सजा बन गई थी, सारे शक को शुबे की नजरों से दोनों ऐसे माँ बाप ऐसे कांप रहे, पीला फटक रंग। तो जो ही वही खत्म हुई तो आपने मुस्कुराते फरमाया, आयशा तुझे मुबारक, तेरा अल्लाह तेरी पाक दामनी बयान करने खुद आ गया। जिसके हैं कितना बड़ा रसूल है, घर की पाक दामनियों के लिए खुद अल्लाह बयान करे। इन्नल लजीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुव खैरुल लकुम लिकुल इमरिन मिनहुम मक्तसब मिन अल इफ्क। दो रुकू पूरे,
तो उन्हें रोमान कहने लगी, आयशा उठो अल्लाह के नबी का शुक्र है तो शुक्रिया अदा करो। उनका इनका क्यों अदा करो, उसका क्यों ना करूं जिसने आसमानों से आकर मेरी गवाही। तो मेरे भाइयों, इस धरती में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गुलाम देखे नहीं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे गुलाम बनाए, ऐसे कायनात में ऐसे हसीन कामिल अकमल